IBN 7 Horsefly. नमस्कार, स्वागत है आपका आईबीएन 7 में और मैं हूं पायल भुयान। आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी गर्मजोशी, ऊर्जा और लोगों से जुड़ने की महारत से ऑस्ट्रेलिया को अपना दीवाना बना लिया है। दुनिया के प्रभावशाली 20 देशों के समूह G20 के शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए मोदी ब्रिस्बेन पहुंचे हैं, लेकिन वो कैनबेरा, मेलबर्न और सिडनी भी जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया में बसी करीब 7 लाख की आबादी वाली भारतवंशी समुदाय इस मौके पर मोदी के स्वागत में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता है। हर तरफ नमो नमो की गूंज है, ब्रिस्बेन से सिडनी तक। कैसा है ये मोदी मैजिक, आइए आपको दिखाते हैं। भूटान, नेपाल, जापान, अमेरिका, म्यांमार के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अश्वमेध अभियान ऑस्ट्रेलिया पहुंच चुका है। मोदी यहां दुनिया के 20 सबसे ताकतवर मुल्कों के शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं, लेकिन यहां के भारतीय समुदाय के लिए ये मौका जश्न का बन गया। भारत की तरक्की, स्वाभिमान और भारत के असर के जश्न का मौका। सबको इतनी उम्मीद है मोदी जी से और सब लोग यहाँ पे एक जमघट लग जाएगा, एक अंदर प्रोग्राम चलेगा, एक बाहर चलेगा। घर घर से आई आवाज, मोदी जी जिंदाबाद। आई एम सो एक्साइटेड टू सी हिम एंड ऑब्वियसली लाइक मी मोस्ट ऑफ द इंडियंस दे आर वेरी एक्साइटेड टू सी मोदी। माय पेरेंट्स मूव्ड फ्रॉम इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया 23 इयर्स अगो एंड इफ थिंग्स कीप गोइंग द वे दैट नरेंद्र मोदी इज मूविंग आई मे मूव फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया बैक टू इंडिया। ऑस्ट्रेलिया के एक वीआईपी क्रूज में भी मोदी मैजिक का जादू दिखा। इस वीआईपी क्रूज में हमेशा उत्सव जैसा माहौल रहता है और इसी क्रूज पर हमें मिली राशि कपूर। 17 नवंबर को सिडनी के अल्फोंस एरिना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए कम्युनिटी रिसेप्शन रखा गया है। इस रिसेप्शन की प्रेजेंटर होंगी राशि कपूर। आप नरेंद्र मोदी से कैसे रिलेट करती है खुद, क्या सिमिलैरिटी आपको लगती है उनमें और यहाँ के इंडियंस में, कैसे यहाँ के इंडियंस उनसे रिलेट कर सकते हैं? जी, हमेशा बचपन से मुझे एक सॉन्ग बहुत पसंद था और उसकी दो लाइनें हैं, हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। और जब भी मैं उन्हें देखती हूँ तो मैं हमेशा देखती हूँ कि वो कुछ देना चाहते हैं, कुछ लेना नहीं चाहते। और एक इंटरव्यू में मैंने सुना था कि वो कहते हैं कि जब से बना हूँ प्रधानमंत्री 15 मिनट की छुट्टी नहीं लिया हूँ, और मुझे उनसे इतना मोटिवेशन मिला। इस क्रूज पर पीएम मोदी का इंतजार सिर्फ भारतीय नहीं कर रहे, ऑस्ट्रेलियाई सुपर मॉडल्स और स्थानीय लोग भी इस बात से अच्छी तरह वाकिफ हैं कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद भारतीयों में नया जोश भर गया है। अभी आपको मिला रहे सुपर मॉडल से, इनसे मिलना आसान नहीं होता है, इनसे बात करना आसान नहीं होता है। स्पेशल हमसे मिलने के लिए और कुछ मैसेज देने के लिए हमारे साथ हैं। Who's that? We'd like to welcome the Prime Minister of India, Mr. Moldy, to Sydney, Australia. सिडनी के अल्फोंस एरिना में होने वाले पीएम के स्वागत समारोह का यहाँ बसे भारतीय बेकरारी से इंतजार कर रहे हैं। हम एक और क्रूज में पहुंचे जहां अल्फोंस एरिना के आयोजकों से हमारी बात हुई। सबसे बड़ा जो इवेंट है जो ऑस्ट्रेलिया में होने वाला है, उसके आप दोनों ऑर्गेनाइजर्स हैं। आप दोनों से एक सवाल पूछ रहा हूं कि मेडिसन स्क्वायर का इवेंट जो इतना बड़ा हुआ था अमेरिका में, उसको लोग अभी तक याद करते हैं, आपके इवेंट की खास चीजें क्या रहेंगी? मैं जानता हूं आप बहुत सारी चीज सीक्रेट रखना चाहते हैं, कुछ तो मैं बता ही सकते हैं। नहीं, ऐसा कुछ सीक्रेट तो नहीं है। हाँ। बाकी बहुत चीजें खास रहेंगी, जैसा कि सदन हमें स्क्वायर में इतना बड़ा, या ऑस्ट्रेलिया में किसी भी फॉरेन लीडर के लिए इतना बड़ा आयोजन होना पहली बार। हम स्वागत करने जाने वाले हैं, अब आने वाले हैं, हम स्वागत करने जाने वाले हैं, G20 में आने वाले हैं,
ऑस्ट्रेलिया में जाने वाले हैं। अल्फोंस एरिना के कार्यक्रम का इंतजार ऑस्ट्रेलिया में बसा हर भारतीय कर रहा है। हर कोई इस कार्यक्रम में शामिल होना चाहता है, लिहाजा जिन्हें मौका नहीं मिल पाया उनमें कुछ मायूसी भी है। रिश्तों के कमल खिलेंगे, पीएम मोदी मिलेंगे, रिश्तों के कमल खिलेंगे, ऑजी इंडियन आगे बढ़ेंगे, नाम देश का ऊंचा करें। जब मैंने ऑर्गेनाइजर्स को लिख के रिक्वेस्ट भेजी तो उन्होंने कहा कि हम अपने एजेंडा में इसको कहीं नहीं जगह दे सकते हैं। तो एजेंडा में नहीं जगह दे सकते हैं, लेकिन आप चाहती थी कि परफॉर्म करें वहाँ पर। मुझे ऐसा लगता था कि मोदी जी हिंदी को हिंदी पसंद करते हैं, पोएट्री पसंद करते हैं, तो ये एक अच्छा मौका है हम ऑस्ट्रेलियंस को अपनी बात कहने का। रेखा और उनका ग्रुप पिछले 3 दशक से सिडनी में रह रहा है, भारत इनके दिल में बसा है। भले ही इन्हें मोदी के स्वागत में हो रहे रिसेप्शन में कार्यक्रम पेश करने की इजाजत नहीं मिली है, लेकिन वो इसे भारतीयों के लिए बड़ा लम्हा मानते हैं। इस सोच की वजह से सिडनी से लेकर ब्रिस्बेन तक दिख रहा है मोदी मैजिक का जादू। ब्रिस्बेन से मारिया शकील के साथ आकाश शर्मा, सिडनी आईबीएन। तो अभी आपने देखा ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में बसे भारतीय समुदाय किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शख्सियत के जादू में गिरफ्तार हो चुका है। आइए अब आपको ले चलते हैं ब्रिस्बेन, जहां भारतीय समुदाय ने मोदी के स्वागत के लिए जबरदस्त तैयारियां की हैं। क्रूज पर जश्न हो, सिडनी के अल्फोंस एरिना का माहौल हो या ब्रिस्बेन में बसे भारतीयों की बात हो, ऑस्ट्रेलिया मोदी मैजिक के रंग में रंग गया है। प्रवासी भारतीयों में उनके स्वागत के लिए जबरदस्त जोश दिखा। अपने व्यस्त कार्यक्रम के बीच पीएम स्थानीय लोगों को भी वक्त देंगे। पीएम अपनी विदेश यात्राओं में भारत के सबसे बड़े दूत राष्ट्रपति महात्मा गांधी को याद करना नहीं भूलते। अमेरिका में उन्होंने महात्मा गांधी की मूर्ति पर माल्यार्पण किया था, ऑस्ट्रेलिया में वो महात्मा गांधी की मूर्ति का अनावरण करेंगे, जिसे लेकर जबरदस्त उत्साह है। ये आइडियल अपॉर्चुनिटी है, तो और हम थ्रू दी कमेटी हमने जमीन मांगी फ्रॉम दी काउंसिल और वेरी ग्रेशियसली टुमारो इसका अनवेलिंग होएगे, विच वी विल बी पार्टिसिपेटिंग। स्टैचू जो है वो हमने स्टोन जो लगाया है उसमें, दैट इज अ साउथ अफ्रीकन स्टोन। ऑस्ट्रेलिया में बसे इस परिवार का कहना है कि मोदी राज में हालात बदले तो वो लौटकर भारत में बस जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी का ये जादू ब्रिस्बेन में जगह जगह दिखता है, इसीलिए यहाँ पर मोदी फूड कोर्ट भी नजर आता है। प्रधानमंत्री मोदी के नाम वाले इस फूड कोर्ट में हिंदुस्तान की मिट्टी की महक है। यहाँ के डिपार्टमेंटल स्टोर में हिंदुस्तान में मिलने वाला हर सामान मौजूद है। I am planning to go to see him and greet him at Roma Street Park Garden. जाना है, मेरे हस्बैंड ने लेटर भी लिखा है, यदि यदि हम मिल पाए तो उसको लेटर देना है। प्रवासी भारतीयों के बीच ब्रिस्बेन के मशहूर ग्रैंड ताज होटल रेस्टोरेंट में भी प्रधानमंत्री की ऑस्ट्रेलिया यात्रा को लेकर जबरदस्त उत्साह दिखा। होटल के मालिक ने हमें पीएम मोदी से उनके परिवार की मुलाकात के बारे में बताया। ये अच्छा हुआ कोई इंडियन सरकार जो फर्स्ट टाइम ब्रिस्बेन में आया, तो हमको बहुत अच्छा लगा, वी आर प्राउड देम। ब्रिस्बेन में ही हमें गुजराती मूल का भारतीय टैक्सी ड्राइवर भी मिला। मोदी के ऑस्ट्रेलिया आने पर वो बहुत खुश दिखा, लेकिन पीएम से उसकी कुछ मांगे भी हैं। नरेंद्र मोदी अगर यहाँ पे आके उन्हें स्पीच देंगे, बताएंगे कि भाई कि हाँ कि हम डेवलपमेंट ला रहे हैं, कि हर एक सिटी में, नॉट ओनली गुजरात और अहमदाबाद, हर एक सिटी में अगर वो डेवलपमेंट लाते हैं, जिससे ऐसा हमको ऐसा कॉन्फिडेंट होता है। भारत ऑस्ट्रेलिया में मजबूत होते रिश्तों को लेकर जाने पहचाने ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर ब्रेट ली भी उत्साह में दिखे। ब्रेट ली भारत ऑस्ट्रेलिया के लोगों में बनते नए रिश्तों पर बनने वाली एक फिल्म में अभिनय भी कर रहे हैं। Are you looking forward to meeting Narendra Modi? Do you plan to meet him? Because he also extended his best wishes for the film. Yeah, well, we had dinner at his house about 2 months ago, which was a great honor to meet him. Looking forward to catching up with him again. He's a wonderful person, and I do believe what he stands for. And yeah, looking forward to catching up with him. ब्रिस्बेन में G20 से जुड़े कार्यक्रम खत्म होने के बाद प्रधानमंत्री सिडनी
और बाद में मेलबर्न और कैनबरा भी जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया के इन सभी शहरों में दिख रहा है मोदी मैजिक। सिडनी में 17 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए भारतीय समुदाय ने का जो एक कम्युनिटी है उसने एक कम्युनिटी रिसेप्शन रखा है। ये कार्यक्रम ऑल्फांस एरिना में होगा जो अमेरिका में के मेडिसिन स्क्वायर की तरह ही इंडोर स्टेडियम है। यहां भारतीय समुदाय प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए क्या तैयारियां कर रहा है यही जाना आईबीएन 7 संवाददाता आकाश सोनी ने, देखिए उनकी रिपोर्ट। भारत माता की जय, भारत माता की जय, हर हर मोदी, 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 हर हर मोदी। दिल्ली से सिडनी तक मोदी ही मोदी, आपको बहुत सारे मोदी नजर आ रहे हैं, लेकिन मेरे साथ टाइम वेस्ट मत कीजिए, ये लोग हैं जिनकी बात आपको सुनना चाहिए। एक एक करके आप सबके पास आ रहा हूँ, शुरू करते हैं। आपका नाम? विजय कुमार हलगली। और आप कहाँ से? कर्नाटक से। कर्नाटक किस शहर से? धारवाड़ से। क्या बोलना चाहते हैं मोदी के बारे में? मोदी जी ने भारत को एक आशा किरण का तरह से उभर के आया है। आपका नाम सर? अजय खन्ना। अच्छा अजय जी, आप भी यहाँ आयोजकों के साथ हेल्प कर रहे हैं? जी हाँ। और ये बताएं, टोटल मैंने सुना है 600 वॉलंटियर है? 600 करीब है, उससे ज्यादा ही है एक्चुअली में। मतलब लोग आ ही जा रहे हैं और बोल रहे हैं कि क्या काम है हमारे लिए, हमें बोलिए। ऑर्गेनाइजिंग कैसी चल रही है? ऑर्गेनाइजिंग बहुत बढ़िया चल रही है, सब लोगों में इतना उत्साह है। मोदी जी खुद इतनी बड़ी ऊर्जा है ना कि उसकी वाइब्रेशन यहाँ तक पहुँच रही है। और मैं क्या बताऊँ, यहाँ पे बहुत बड़ा एक इंडियन फेस्टिवल ऑफ होप्स होने वाला है जी, जो कि इसी एरिया में होगा। सबको इतनी उम्मीद है मोदी जी से और सब लोग यहाँ पे एक जमघट लग जाएगा, एक अंदर प्रोग्राम चलेगा एक बाहर चलेगा। यहाँ तैयारी कैसी है? यहाँ तैयारी राउंड द क्लॉक है 24/7 और इसी तरह से लोग सब कार्य कर रहे हैं। आपका नाम सर? आप तो ऑर्गेनाइजर्स में से एक है, आपको लगातार यही देख रहा हूँ मैं, घर जाते हैं? हाँ जाते हैं, घर जाते हैं, जाना पड़ता है। घर नहीं जाएंगे तो फिर मोदी जी तो साथ में लेके नहीं जाएंगे अपने, क्योंकि हम यहाँ के रहने वाले हैं, अब यही काम करते हैं। ये जो टी शर्ट है आपने पहन रखे हैं, कितने के हैं? इसका कोई मोल नहीं है। अच्छा। हाँ, ये अनमोल है क्योंकि मोदी जी की फोटो है इसके ऊपर। क्या बात कर रहे हो यार, इसका थोड़ी मोल होता है। सबसे महंगा किसने खरीदा? मेरे ख्याल से ज्यादा देर हुई नहीं है इसको शुरू है ना? आज सुबह से बिक रही है। अच्छा, सुबह से बिक रही है। तो सबसे महंगा अभी तक कितने में बिका है? सबसे महंगा $5,000 में बिका है। और किसने खरीदा है? वो अनमोल है, किसी ने बताया नहीं है नाम। पिछले 50 साल में पहली बार एक रियल लीडर आया इंडियन कंट्री में, और हम 40 किलोमीटर ड्राइव करके आ जाए हैं। कोई बड़ी चीज नहीं है, ऑर्गेनाइजर्स ने बहुत एफर्ट किया उनको यहाँ अकोमोडेट करने में। अगर मोदी जी सामने आ गए तो आपसे पूछ रहा हूँ, पहले कश्मीरियों के बारे में क्या बोलना चाहिए? मुझे आई डोंट नो, मैं उनसे क्या बोलूंगी, बट आई एम श्योर कि जो उनके हाथ में होगा ही विल डू द बेस्ट फॉर एवरीवन, बिकॉज आई फुली कॉन्फाइड इन मोदी जी। और बहुत बड़ी चीज ये है हमारे लिए कि बीजेपी वॉज द ओनली पार्टी विच केम टू आर रेस्क्यू व्हेन वी हैड टू माइग्रेट फ्रॉम कश्मीर व्हेन वी वर किड्स। हम बहुत छोटे लोग थे, अभी भी वी आर नॉट अ सिग्निफिकेंट कम्युनिटी टू बी ऑनेस्ट, लेकिन नंबर्स में नहीं शायद, लेकिन वैसे हैं। एक वो दिल का कनेक्शन है हमारा भारतीय जनता पार्टी के साथ। बट लीविंग एवरीथिंग असाइड, एटलीस्ट मोदी जी हमें एक लाइट दे रहे हैं कि एट सम स्टेज वी कैन गो बैक, एक ऐसे भारत में जा सकेंगे जो कि आज ऑस्ट्रेलिया में है लेकिन भारत में नहीं है। तो दे आर टेकिंग स्टेप्स टू कन्वर्ट इंडिया इनटू अ कंट्री वेयर वी कैन गो बैक एंड मेक अ डिफरेंस टू आवर कम्युनिटी। तो आपने देखा यहाँ पर लोगों में बहुत उत्साह है और नरेंद्र मोदी हर तरफ नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन जयपाल के साथ आकाश सोनी, ऑल फोन जरीना, सिडनी।